हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पीस कट कर लिए हैं तो मैं आपको फटाफट नाप बता देती हूँ। तो ये मेरे 8 पीस हैं, 4 ये 4 ये। तो ये मेरे वाइट 8 पीस हैं जो 3-3 इंच के हैं। ये मेरे 4 पीस हैं जो 3-3 इंच के हैं। ये भी मेरे 4 पीस हैं जो 3-3 इंच के हैं। तो ये सारे हमारे पीस 3-3 इंच के हैं। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले ये हमारे 4 पीस हमने ये ले लिए, 4 पीस हमने ये ले लिए, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इनको आपस में रख कर स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे और फिर इसको हम सिलेंगे। सिलने के बाद फ्रेंड्स, हम इसको बाद में बीच में से कट करेंगे। ये मैं तरीका आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि अगर मैं इनके कोने पहले ही कट कर दूँगी तो पीस ये जोड़ने में थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन अगर आप इस तरीके से सिलाई लगा के काटोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये देखिए, आपको ऐसे सिलना है, बीच की लाइन छोड़ के साइड साइड में आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए, 3 लाइन है, बीच की लाइन को छोड़ के साइड साइड में सिलाई लगानी है। बीच में से हम बाद में कट करेंगे। तो ऐसे ही हम ये 4 पीस तैयार कर लेते हैं और ऐसे ही ये 4 पीस तैयार कर लेते हैं। तो मैं पहले इनको सेट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सेट कर लिए हैं, वाइट को नीचे रखा हुआ है। और ये देखिए, ऐसे हमारे ये सारे पीस तैयार हो गए हैं और हमने इन पे लाइन लगा ली है फुट्टे से। तो अब हम इसको सिलेंगे और सिलने के बाद आपको दिखाएंगे, फिर हम उनको कट करेंगे। तो मैं पहले सिल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे पीस सिल लिए हैं, अब क्या करेंगे हम इनको कट करेंगे। तो ये देखिए, बीच की लाइन से ही हमें कट करना है। तो हमने पहले से ही लाइन लगा रखी है और उसी लाइन पे हमने कट कर दिया। तो ये हमारे 2 पीस हो गए जो डबल शेड के हो गए हैं। तो ऐसे ही हमें ये सारे पीस काट लेने हैं। तो मैं इन सब पीस को कट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी, और फिर मैं आपको एक डिज़ाइन बना के सेट करके दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी ऐसे ही हमें ये कट करने हैं, ऐसे ही हमें ये कट करने हैं। तो मैं इनको फिनिशिंग से कट कर लेती हूँ और 2.5-2.5 इंच का नाप लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे कट हो गए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले मैं इनको सेट करके डिज़ाइन तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अपना पीस सेट कर लिए हैं, अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप सिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम ये 2 पीस 2 पीस करके सिलेंगे और फिर इधर से 2 पीस 2 पीस करके सिलेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको यहाँ रखेंगे, सिलाई लगाएंगे, इसको यहाँ रखेंगे, सिलाई लगाएंगे, और इसको भी यहाँ रखेंगे, सिलाई लगाएंगे, और इसको भी यहाँ रख के सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे लाइन से सिल गए हैं। अब क्या करेंगे, हम इनको पलट कर सिलेंगे। तो लाइन से लाइन को जोड़ेंगे, बिल्कुल बीच सेंटर में आनी चाहिए। तो हम इस लाइन को जोड़ के पहले यहाँ पिनअप कर लेते हैं और फिर हम सिलेंगे। तो हम यहाँ सिलाई लगाएंगे, सेम ये करेंगे, यहाँ इसको रखेंगे, सेंटर को सेंटर से मिला के बिल्कुल, और फिर पिनअप करके और हम यहाँ सिलेंगे। तो मैं आपको ये दोनों टुकड़े सिल के दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों पीस हो गए हैं। अब हम इसको रखेंगे, सिलाई से सिलाई को जोड़ेंगे और सिलाई मार लेंगे। इसे सिलने के फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसको सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सिल गया है। अब से भी हम इसको भी ऐसे ही सिल देंगे। तो मैं इसको सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे दोनों पीस तैयार हो गए हैं। अब क्या करेंगे हम, बिल्कुल सेंटर में ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, ये दोनों को हम आपस में यहाँ जोड़ेंगे। तो इसको हम पहले सेट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सेंटर में हमने पिन लगा ली है। अब हम इस वाले सेंटर को मिलाएंगे, इसको भी हम ध्यान से देखेंगे ताकि सेंटर पर ही निशान आए। तो ये भी हमने पिन यहाँ लगा ली है और एक पिन हम यहाँ लगाएंगे, कोने से कोने को मिलाएंगे। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ से हम सिल देंगे। तो मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स,
मेरा ये पीस कंप्लीट हो गया है। तो देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन बना है। तो आप भी ऐसे डिज़ाइन बनाइए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली वीडियो में आपके लिए और सुंदर डिज़ाइन लेके आऊँगी। तभी के लिए बाय।